दोस्तों इंडिया पे चांसा सीजन 4 में स्पिकन होगा बड़ा एलिमिनेशन। जी हाँ, स्पिकन का एपिसोड जितना ज्यादा शानदार और धमाकेदार होगा उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि दोस्तों बीते वीकेंड में वोटिंग लाइंस ओपन होने के कारण शो में कोई भी एलिमिनेशन नहीं किया गया था, लेकिन शायद स्पिकन उसी वोटिंग और जजेस स्कोर के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होगा। तो दोस्तों आखिर इंडिया पे चांसा सीजन 4 में स्पिकन कौन कौन एलिमिनेट होने वाला है और कौन कौन बॉटम में रहेगा, तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंडियाज बेस्ट आंसर सीजन 4 से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इंडियाज बेस्ट आंसर सीजन 4 में स्पिकिंग गणेश उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें नेपो, स्टीव, नेक्स्टन और अर्जुन के साथ साथ सभी कंटेस्टेंट लाजवाब परफॉर्मेंस भी देंगे। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद शो में एलिमिनेशन भी अनाउंस किया जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम सेफ कंटेस्टेंट की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम बॉटम कंटेस्टेंट की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो स्पीकिंग सेफ कंटेस्टेंट हैं उनके नाम हैं हर्ष, रोहन, वैष्णवी, अर्जुन, नेक्स्टन, स्टीव और नेपो। जी हाँ, ये वो कंटेस्टेंट हैं जो कि स्पीकिंग सेफ जोन में है और इनमें से शायद कोई भी बॉटम में नहीं रहेगा। तो वही बात करें बॉटम कंटेस्टेंट की, यानी कि जो कंटेस्टेंट अनसेफ हैं वो हैं निखिल, ईशानी और अकीना। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों कंटेस्टेंट सेफ नहीं है बल्कि स्पीकिंग एलिमिनेशन की रडार पर है और इन्हीं में से कोई एक कंटेस्टेंट आईबीडी सीजन 4 से बाहर भी हो सकता है। बाकी दोस्तों, स्पीकिंग गणेश उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो शायद एलिमिनेशन अगले वीक के लिए टाला जा सकता है, फिलहाल अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि स्पीकिंग इंडिया बेस्ट आंसर सीजन 4 से कौन एलिमिनेट होगा, कॉमेंट करके आप सब अपनी राय हमें जरूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।